रंगों में रंग जैसे लहरों की तरंग गुले सदरंग गुले सदरंग छोटी सी कटोरी में था सूखे पत्तों से उठता था धुआं धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां इससे कहानियों के अलग अलग है रंग गुले सदरंग अरे भाई मुंबई में औरत को बाई बोलते हैं इसलिए आपको भी बाई बोला क्या तुम पहली बार मुंबई आयला है क्या कोलकाता की सड़कें नापते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुंबई के भूत निकल जाएंगे हमें ऐसे क्या दिख रही हो देख रही हूँ क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने प्रोग्रेसिव समझा था और सुनो मैं यहाँ से सज्जो को भेज रही हूँ सज्जो अरे हाँ वो बहुत अच्छा काम करती है मम्मी काम करने वाली किसी शायर ने इस शहर को पत्थरों का शहर कहा उसकी कुछ लाइनें हैं वो लाइनें सुन पत्थरों का शहर है ये किसी के पिघलने की उम्मीद न कर वफा का बदला है बेवफाई यहां किसी से वफा की उम्मीद न कर क्या बात है सो छोटे एक बात हमेशा याद रखना यकीन से ज्यादा भरोसा खुली आंखों पर गुड लक अच्छा मैं जा रहा हूं लेकिन ये बैंडेज कोई नहीं हैरान होगा जाओ टाइम वेस्ट मत करो जाओ गुड लक मेरे दोस्त अच्छा संगी अपना ख्याल रखना अरे बाबा इसका ध्यान मैं रख लूंगा तुम जाओ टाइम वेस्ट मत करो ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू संगी भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाओं की सुन ली पहला काम मिला उसे नमस्कार सर वो संगी मित्रा मैम साहब है ना घर पता है आपको हमको बताएंगे संगी मित्रा हाँ संगी मित्रा वो कोलकाता वाली हाँ, भाई वो कोलकाता वाली भाई हाँ चलो मैं दिखा देता हूँ आपको पता है हाँ, हाँ। चलो हम जाएगा धन्यवाद आइए छोटे भैया इस कहानी में मेरे लिए भी कोई रोल निकालो ना हीरो नहीं करूंगा मैं विलन कर सकता हूँ कॉमेडी भी अच्छी कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर निकालूंगा आपके लिए तो पक्का समझो अच्छा सुनिए खाना रेडी है किचन में खाएंगे कि यहीं ले आऊं यहाँ लेके आई ना थोड़ा थोड़ा लेके आएगी किचन में चलो किचन में चलेंगे चलिए बाबा संगीत मैम साहब नमस्कार नमस्कार जमाई राजा नमस्कार तोमी गोन दादा नमस्कार नमस्कार तुम आने वाली थी ये तो मुझे पता था बट अचानक इस तरीके से हाँ अम्मा ने अचानक ही मेरे को भेज दिया अम्मा बोला मच्छी भात खाने को बहुत दिक्कत होता मैंने कहा मेरा टिकट कटा दो बम्बई का और हाँ जवाई बाबा को बताना मत अचानक देखेगा खुश हो जाएगा और हाँ अम्मा पता हमें लिख के दे दो पता में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए मैं कहाँ भटकते फिरूंगी सरजो तुझे इतने बड़े शहर में डर नहीं लगा डर काहे का डर पता मेरे पास था पूछते पूछते आ गई और यहाँ आकर एक दुकान वाले को पूछा वो खुद आकर मुझे यहाँ पे छोड़ गया अम्मा मेरे को बोला था बेटी को मेम साहब जवाई राजा को साहब बोलने का सब भाई बोलता अच्छा अच्छा देख मैं इसलिए अम्मा को मना करती थी कभी इतना छोटा घर तूने देखा है कोलकाता में वही तो मैं सोच रही थी वो क्या कहते हैं डराइंग 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 रूम इतना छोटा सा
सरजो जी, इसे चाल कहते हैं, चाल। मुंबई में जिसके पास भी रहने के लिए चाल होती है ना, वो मुंबई का राजा कहलाता है, राजा। और आपकी ये मेम साहब इसकी रानी है, और आपके साहब यहाँ के राजा है। राजा क्यों नहीं होंगे साहेब, मेरे साहब सचमुच के राजा हैं कोलकाता में। सरजू, उस पेंटिंग को हाथ भी मत लगाना। क्यों मैम साहब? एक जवाब उधार है। मैं कुछ समझी नहीं मैम साहब। तू ज्यादा समझ नहीं ना तो ही ज्यादा अच्छा है। चल इधर आ, तू जा और अपना काम कर। अब मैं आपको एक बात बोलूं मैम साहब? बोलना, क्या हुआ? वो साहब के दोस्त है ना, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अभितोष भैया? एक्चुअली वो है ही बहुत अच्छे। तुझे पता है इस पराये शहर में हमें एक अच्छे से भैया मिल गए। वो बातें भी कितनी अच्छी करते हैं ना। अब तू नजर मत लगा देना। हाँ भैया, कौन किसको नजर लगाने की बात कर रहा है, हमें भी तो पता चले। मैम साहब, मैं वो मार्केट भाजी की दुकान देख के आती हूँ। जा। अरे संगी, ये नहीं नहीं आई है, रास्ता भटक जाएगी, इसे दुकाने में खा के लाता हूँ, चला। अरे क्या सोच रही है, ये बंबई है, यहाँ की भीड़ में गुम हो जाएगी, चला मेरे साथ। शुरू आ रही है, चल। चली तो गई है पर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। छी, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, जाने दो। कितनी मिस्टेक्स करते हैं टाइपिंग वाले यार, फिर करा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? इसका जवाब ये है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। एक बात पूछूं? अरे पूछो ना। बड़ी बड़ी रोटियां अचानक से छोटी कैसे बन जाती हैं? बड़ी बड़ी बातें अचानक से छोटी कैसे हो जाती हैं? हंसते खेलते मर्दों में अचानक से मर्द कहां से आ जाता है? तुम नहीं समझोगे जसदेव। तुम नहीं समझोगे। अरे सुनो तो। मैडम को तो पता तक। मैं सरजो से कह रहा था कि आज मेरा मन मच्छी बात खाने का कर रहा है। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। और संगी, मैं सरजो को ये भी बता रहा था कि संगी ने अपनी मेहनत से इस खोली को महल बना दिया है, महल। और संगी, अब तो सरजो भी आ गई है, तुम्हें मुंबई में किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ना, मुझे जिंदगी भर मुंबई में नहीं रहना है। क्यों संगी? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ गिद्ध ही गिद्ध नजर आते हैं। गिद्ध नहीं संगी, जानवर। जानवर बसते हैं शहर में, जिनको जिंदगी जीने का सलीका तक नहीं आता, पैसों से अपनी खुशियां तक नहीं खरीद सकते। मैंने उन्हें ही गिद्ध का नाम दिया है। वही तो, तुम गलत सोच रही हो संगी। यहां खुली हुई आंखें परिंदा ढूंढती हैं, परिंदा। और परिंदे का नाम है खुशियां। खुशियां या लड़कियां? देखो संगी, अब छोटी सी खुशी का पीछा करने को तू जुर्म का नाम नहीं दे सकती। पेट भर जाए तो गिद्ध भी अपने आशाने बदल देते हैं। संगी तुम तो बस। क्या हुआ संगी? Are you okay, संगी?
संगी लगता है नया मेहमान आने वाला है। न जाने किधर मर गई है। और ये जसदेव, रात के 10 बज रहे हैं और कुछ कुछ पता नहीं है। वो पानी लेने गई थी मैम साहब, आजू बाजू में किसी ने एक बूंद तक पानी नहीं दिया, लेकिन ये मांग मांग के पानी लाना ना बाबा ना, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी आगे से, कह देती हूँ। हाँ बाबा, क्या देख रहा है मैम साहब? तुझे नहीं लाना है तो मत ला। इस तरीके से क्या चिल्ला रही है तू मुझे? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ मैम साहब? अरे सर जो चिल्ला के क्यों गई? कुछ दिनों से इस घर में सब कुछ बदल रहा है जसदेव, सब कुछ। पता नहीं ये सब मुझे ही महसूस हो रहा है या फिर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब से सरजो आई है तब से सब कुछ बदल गया है घर में। कहीं जा रहे हो? हाँ, एक नई फिल्म की बात चल रही है, देखो क्या होता है। ठीक है, वापसी में मेरे लिए कुछ इमली ले आना, खट्टी सी इमली। लेकिन क्यों? तुझे तुम्हार आम जे तुम्हार। मेम साहब, मेरे को दादा बोला मच्छी भात बनाने को। कोई जरूरत नहीं है, और मैं जरा बाहर जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर आती हूँ। आप ऐसे हालत में कैसे जाओगे? मैं जाती हूँ ना दादा के साथ। कोई जरूरत नहीं है, तुझे बोला ना, तुझे तो बस बाहर जाने का मौका चाहिए। का तो जमाना ही नहीं रहा, मेरे को क्या करने का, क्या करने का, जाने दो। रहमत, हाँ? बहुत दिनों से बाई का खैरियत नहीं मिला। अरे कद्दूस में सुनेला है, उसके मर्द को लिखने का काम मिल गया है। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपन बाई के लिए बहुत परेशान था। अरे वो देख, कुछ सामान चाहिए था। बाई, तुमको यहाँ नहीं आना था, काय को आया? अपन को बोलना था ना। अरे एक बात बोलूं भाई, तुमने अच्छा नहीं किया। कैसे? तुमको इस टाइम में कोलकाता में होना था, अब घर जाओ, सामान पहुंच जाएगा। थैंक यू कुद्दूस भाई, अल्लाह। अरे मेम साहब, इस हालत में तुम क्या किया? तो बोला था कि पानी नहीं लेके आएगी। अरे वो तो हम ऐसे गुस्से में बोल दिया था मैम साहब। एक काम करो, तुम आराम करो, हम साहब को फोन करके आता है। मैम साहब तुम आराम करो। पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। हम आता है साहब को फोन करके, पता नहीं मैम साहब को क्या हो गया है। आराम करो, हम आता है। अरे सर जो, इतनी जल्दी निकल जा रही है तू? अरे साहब को फोन करने जा रहा है, मैम साहब का तबीयत खराब है बहुत। क्या? हाँ। अरे ये क्या है? ये मैम साहब ने उठाया। क्या बोलिए तू, जब फोन कर क्या? तुम्हें पता है तुम्हें आराम की जरूरत, तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए था, खास तौर पर भारी काम। चिंता मत कर, हम है ना? कुछ नहीं होगा, अभी बहुत तंग करने लगा है। नया इंसान संगी, तुमने मैक्सिम गोर्की की कहानियां पढ़ी?
उन कहानियों में एक मजदूर औरत जो ईंटेड हो रही, उस वक्त में तेज बारिश थी, तेज तूफान था, और उस बारिश में, आंधी में, तूफान में उसे लेबर पेन होने लगी, और मजदूर लोग उस बरसती हुई बारिश में गीत गाने लगे। और तुम्हें पता है, उसी बारिश में उस नए इंसान ने जन्म ले लिया, तेज बारिश में तेज तूफान। ये भी नया इंसान है, आज भी बिजली कड़क रही है, आज भी बारिश होने वाली है, और ये नया इंसान आएगा। कुछ नहीं होगा संगी, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। साहब जी भी आ गए हो, हम जा रहे थे फोन करने को, साहब जी आ रहा था। अच्छा, संगी क्या हुआ? बेवकूफ जैसी बात कर रहा है, क्या हुआ? मैं तुमसे सेकंड से फुर्सत ही नहीं है। बाहर बिजली कड़क रही है, बारिश होने वाली है, डॉक्टर कहाँ मिलेगा ऐसी कंडीशन में? तू ये कहना चाहता कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? कोशिश तो करो, जाओ जल्दी से खोल के जाके। हौसला रखो संगी। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है अब। साहब जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाना, मैम साहब को बहुत तकलीफ हो रही है, जाओ ना। तू एक काम कर, तू संगी के पास रुक, डॉक्टर को मैं लेके आता हूँ।
किसी से हंस के दो बात करने का मतलब जिसमें से कपड़ा अलग करना होता है मेम साहब। मेम साहब मैं तो ओके महापुरुष समझती थी, अमित जांच सब कुत्ते मेम साहब सब कुत्ते। मुझे पता है, मैं समझ गई, मुझे पहले से ही शक था। क्या बात है संगी? याद है जसदेव, एक दिन तुमने मुझसे इस पेंटिंग के बारे में पूछा था, तब मेरा जवाब उधार रह गया था। आज उधार चुका रही हूँ। दीवार गंदी है या खराब है तो उसका ऐप, पर एक पेंटिंग उस ऐप को कब तक छुपा सकती है जसदेव? गंदगी नजर आने लगी है, तुम लोग भी ऐसे ही हो, मैले मन को छिपाए रहते हो। पर एक बात याद रखना, एक दिन पेंटिंग उजड़ जाती है और गंदगी सामने आ जाती है। समझा नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? पूछूं ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? डरो मत जसदेव, मैं पागल हो रही हूँ। जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, कुछ भी मुझसे छिपाना मत। सरजू चली गई है और अभितोष ने आना बंद कर दिया है। तुम मर्दों पे से तो मेरा यकीन ही उठता जा रहा है। बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, तुम बाहर जाते हो, बस में सफर करते हो, उसमें लड़कियां भी तुमसे टकराती होंगी, टकराती होंगी ना? दफ्तरों में ना जाने तुमसे रोजाना कितनी कितनी औरतें मिलती होंगी, है ना जसदेव? हो सकता है उनमें से कोई एक सरजू भी हो, मेरे सिवा कोई और दूसरी औरत। मुझे कोई गिला नहीं होगा, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, सब कुछ अपनी तकदीर का हिस्सा समझ के मैं सह जाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ भी छिपाना मत जसदेव, वरना मैं टूट जाऊंगी। मैं टूट जाऊंगी जसदेव। जिंदगी बहुत छोटी सी है संगी, समुद्र की लहर की तरह। जैसे हर लहर एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर आदमी भी एक जैसा नहीं होता।
से जिंदगी के रंग, रंगों में रंग जैसे।